खाद्य सामग्री पर जीएसटी और गैस डीजल पेट्रोल पर बढ़ाए गए ड्यूटी और सेस को वापस लेने की मांग को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का प्रदर्शन, साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचे व 9 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने सोमवार को दुर्ग के महात्मा गांधी के पुतले के सामने नारेबाजी करते हुए अपना प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि मोदी सरकार द्वारा खाद्य सामग्रियों में लगाए गए 5% जीएसटी और गैस डीजल पेट्रोल पर बढ़ाए गए एक्साइज कस्टम ड्यूटी से इसके कारण बढ़ी महंगाई के विरोध में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। हाथों में पोस्टर लिए मंच के कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मोदी सरकार पर निशाना साधते नजर आए और कहा कि आजादी की 75 साल में किसी भी सरकार ने कभी खाद्य सामग्रियों पर टैक्स नहीं लगाया था। मोदी सरकार अपने कॉरपोरेट मित्रों को दिए गए लाखों करोड़ों की छूट की राशि आम जनता से वसूल कर रही है। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट जाकर मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर जागेश्वर कौशल को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। साथ दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का न्यूनतम पारिश्रमिक बढ़ाकर 800 रुपए प्रतिदिन करने, किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 18,000 रुपए वार्षिक करने, वही कृषि उपजों के लिए न्यूनतम मूल्य गारंटी कानून करने, मनरेगा को कृषि से जोड़कर किसानों की मांग पर मजदूर उपलब्ध कराने, फसल बीमा योजना में गणना के लिए धान का मानक उत्पादन 30 क्विंटल और राशि बढ़ाकर 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर करने, सभी प्रकार की योजनाओं में पेंशन की राशि बढ़ाकर प्रतिमाह 3,000 रुपए करने और साथ ही वन अधिकार कानून, पर्यावरण, जलवायु प्रदूषण कानूनों में किए गए संशोधनों को वापस लेने की मांगे शामिल है। इस संबंध में न्यूज टीम को स्वाभिमान मंच के राजकुमार गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वतंत्र अभी हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 साल में आज तक केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकार रही है, किसी भी सरकार ने खाद्य सामग्री में टैक्स आज तक 75 सालों में नहीं लगाया है। मोदी सरकार के नेतृत्व में और दूसरे दलों के राज्य सरकारों के सहयोग से जो चावल, दाल, आटा, गेहूं वगैरह में जो जीएसटी 5% लगाया गया है, यहाँ तक कि बच्चों के पढ़ाई का चीज, पेंसिल, शार्पनर वगैरह है, ये 75 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके पहले मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर, पेट्रोल पर करीब 60% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया है और डीजल पर 100% एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ाया है, कस्टम ड्यूटी बढ़ाया है, सेस लगाया है। इसके कारण जो बाज़ार में महंगाई बढ़ी है, हम उस महंगाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की ओर से अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ करने आए हैं और सरकार से हमारी मांग है कि मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जो भी एक्साइज कस्टम ड्यूटी बढ़ाया है तुरंत वापस हो और खाद्य सामग्री, शिक्षा की सामग्री और स्वास्थ्य की सामग्री, ये जीवन उपयोगी आवश्यक सामग्रियों पर इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। इसके अलावा मजदूरों और किसानों और दिव्यांगों से संबंधित पेंशन वगैरह का जो मुद्दा है, उन मुद्दों को लेकर के आज हम प्रधानमंत्री नाम ज्ञापन देंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।